बाबा आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए? जैसा आदर्श पति होना चाहिए। आपकी आपको मिली है आपकी आदर्श पत्नी? बस ऑफ कोर्स मिली थी जब मेरी शादी हुई थी। तो गवर्नमेंट जॉब का डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग खुद पढ़ रहे हैं और जानते हैं कि स्ट्रगल क्या है गवर्नमेंट जॉब को लेके। गवर्नमेंट जॉब वो भी जनरल को मिलना भगवान मिलने के बराबर है, तो ये सब डिमांड नहीं रखते हैं। इस चक्कर में पता चलेगा शादी वादी भी नहीं हुआ। दहेज लिए थे? हाँ उस टाइम तो लिए थे। क्यों दिया दहेज? अब तो क्या उपाय, बिना दहेज का शादी ही नहीं होता। तो आपके जैसे सुंदरता होना चाहिए और क्या होना चाहिए। दहेज भी लेंगे आप? नहीं दहेज लेते ही नहीं हम लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूँ मुस्कान। आज हम आए हैं जंक्शन पर जानने के लिए कि आदर्श पति और आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए। आइए जानते हैं लोगों की राय। बाबा आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए? जैसा आदर्श पति होना चाहिए। आपकी आपको मिली है आपकी आदर्श पत्नी? बस ऑफ कोर्स मिली थी जब मेरी शादी हुई थी। तो कहते हैं कि शादी के बाद वो अच्छा नहीं, खुश नहीं रहता है आदमी, अलग रहता है। नहीं नहीं अलग रहता है, सभी थोड़ी अलग रहते हैं, नहीं तो इतना परिवार कहाँ से होता। अरे कुछ तलाक के मुद्दे कोर्ट में है लंबित, तो कुछ ही लोगों के ना। भारतवर्ष की आबादी 1,42,80,00,000 है, तो क्या सब परिवार में तलाक की ही बात चल रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं। हाँ पति पत्नी में तनाव तो होता ही रहता है, तो एक अच्छा मतलब कि दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी बात है ना। कभी खट्टा कभी मीठा, कभी ऐसा नहीं कभी नमक खाने का मन करता है कभी मीठा खाने का मन करता, तो नोक झोंक तो होती ही रहनी चाहिए ना। हाँ वो तो एक अच्छा दाम्पत्य जीवन की निशानी है, ऐसा क्या। अरे प्रेम तो है ही पति पत्नी के बीच में, अंदर से तो प्रेम जब साथ फेरे लगा लिए अग्नि के समक्ष है और एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने की कस्में खा लिए और लोग निभा ही रहे, ऐसी क्या बात है। हाँ ये अलग बात है, अपवाद कहिए कि कुछ लोगों का तलाक का मुकदमा कोर्ट में लंबित है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो क्षणिक एक सेंटिमेंट, एक क्रोध है उनका। हाँ एक क्रोध है या इस तरह की कोई बातें हैं, वरना ऐसी बात नहीं। एडजस्टमेंट करके वो चले आपस में एक दूसरे के साथ है। कभी तुम मेरी बात मान लो, कभी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, है ना। अपने अपने विचार किसी के ऊपर थोपो नहीं, ठीक है। विचार आए रखो उसको सामने, अगर दोनों की सहमति बनती है तो वो काम करो, अन्यथा कि नहीं मैं तो यही करूँगा या मैं तो यही करूँगी, तो इससे परस्पर जो है द्वंद होता है। पैर से पैर मिला करके, कदम से कदम मिला करके एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करो, नहीं तो परिवार टूटने से, परिवार के बिगड़न होने से सबसे ज़्यादा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। पति पत्नी तो मैच्योर हैं, ठीक है वो अपना कहीं ना कहीं एडजस्ट, लेकिन जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनके दिलो दिमाग पर बहुत ही इसका बुरा असर होता है। असो ये नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को हर तरह से, अपने मैरिटल लाइफ को हर तरह से लोगों को बचा के रखना चाहिए। हाँ यही हमारा पूर्वज भी करते हैं, यही हमको भी करना चाहिए। अगर वो हम वेस्टर्न कल्चर अपनाने को सुने सोचे तो आज मैरिज हुई कल डाइवोर्स हो गया, तो वो एक अलग बात है। जैसे वेस्टर्न फूड हम लोग ले रहे हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, लिबास पहन रहे हैं, अगर वेस्टर्न ढंग से हम लोग पति पत्नी उस तरह से रहने लगे तब तो फिर दूसरी बात है। नहीं तो भारतीय परंपरा में जो है, भारत की संस्कृति जो है, यहाँ की सभ्यता जो है, उसके अनुरूप चलते हैं तो हमारा देश बहुत ही अच्छा है। हाँ उतने सारे केसेस हमारे यहाँ डाइवोर्स के नहीं हैं। और मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि आप अपना दाम्पत्य जीवन को बचाइए, अगर आपका दाम्पत्य जीवन टूट जाता है तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए? क्या आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए? हम तो अनमैरिड है अभी। तो कैसी पत्नी चाहते हैं? अभी तो शादी के बारे में सोचे नहीं है, बट बढ़िया होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक ना। जिस तरह से दहेज भी लीजिएगा? नहीं हम लोग दहेज के खिलाफ है, भाई को भी शादी किए तो हम लोग विदाउट दहेज। एजुकेटेड होगी तो दहेज नहीं लीजिएगा? नहीं लेना ही नहीं है, दहेज लेना ही नहीं है। टीवी के लिए बोल रहे हैं कि सच में ऐसा? क्या टीवी के लिए? दो भाई का शादी किया हूँ 1.5 साल पहले, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, अपने भाई के साथ बोला कि दहेज लेगा तो मैं बारात नहीं जाऊँगा, मैंने दहेज नहीं लिया, इसके खिलाफ। आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए? आदर्श पत्नी अच्छी होनी चाहिए। तेज बोलिए। आदर्श पत्नी अच्छी होनी चाहिए, उसके स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। आपकी शादी हो गई? नहीं अनमें। दहेज लीजिएगा? नहीं दहेज के तो नहीं सोचा। नहीं में नहीं लीजिएगा ना कि हमको ऐसे पान का भी दहेज नहीं दिया है तो लिहाज हम भी नहीं लेंगे। हम
ना अभी बन का भी किए हैं कर रहे हैं तो ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि ना लेंगे ना देंगे, ठीक है बस यही है। आदर्श पत्नी कैसी? क्या मैम? आदर्श पत्नी कैसी होनी? हस्बैंड का बात माने। आपकी शादी हो गई है, आपको आदर्श पत्नी मिल गई, जैसी पत्नी होनी चाहिए जैसा आप चाह रहे थे वैसी मिल गई? जी मिल गई। कैसी होनी चाहिए, नेचर कैसा, लड़कों की कैसी पत्नी चाहिए? जैसे आदमी घर पे जाए थका हारा तो उसके लिए शरबत पानी का इंतजाम कर दे या खाने पीने का जो होना चाहिए घर में, ठंडे पानी वगैरह मतलब जो भी सर्व कर दे ताकि अच्छा लगे। ऑब्वियसली अच्छा ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की प्राइवेट? नहीं, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब अभी मैटर नहीं करता है उतना, मतलब पेरेंट्स के लिए करता है लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग के लिए उतना करता है क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कितना स्ट्रगल है गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब भी अच्छा सेटल चलेगा। आपको कैसा चाहिए? अच्छा ही चाहिए। मतलब अच्छा क्या होता है, मतलब मतलब वेल सेटल्ड हो और कैरी हो। हमारी बात सुने? सारी बात ऑफ कोर्स सेटल्ड। ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि गवर्नमेंट ही होना चाहिए, कोई भी हो जो अच्छा हो तुम लोग की सोच। गवर्नमेंट जॉब का डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग खुद पढ़ रहे हैं और जानते हैं कि स्ट्रगल क्या है गवर्नमेंट जॉब को लेके, गवर्नमेंट जॉब वो भी जनरल को मिलना भगवान मिलने के बराबर है, तो ये सब डिमांड नहीं रखते हैं। इस चक्कर में पता चलेगा शादी वादी भी नहीं हुआ तो दहेज दोगे? बिल्कुल नहीं, नहीं क्यों, हम लोग का जॉब हो जाएगा तो वो दहेज देगा नहीं ना, तो ऑब्वियसली नहीं। आप लोग नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं देने भी नहीं देंगे, देंगे भी नहीं। शादी होना चाहिए बिल्कुल अच्छी होना चाहिए ताकि पति को मान सम्मान होने चाहिए, इसको आदर्श पत्नी बोलते हैं। आपको मिल गए? जी हमको मिल गए। खुश है? बिल्कुल, पत्नी से बहुत खुश करते हैं शादी करने से आज की युवा, उनको क्या बोलिए? क्योंकि नया उम्र की जो लड़का होता है, क्योंकि आजकल लव मैरिज करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद रिश्ता टूट जाता है, लेकिन जो माँ बाप के अनुसार से चलता है उसके अनुसार आदर्श पत्नी बहुत ही अच्छा मिल जाता है, मुझे मिल गया है, मैं खुश हूँ। और लोग कहते हैं कि आदर्श पत्नी मिली कि फिर आप दहेज भी लेंगे? नहीं दहेज नहीं। अब दहेज लिए? नहीं दहेज नहीं लिया, दहेज का मैं विरोधी हूँ। पत्नी अच्छी मिलती है तो दहेज नहीं लेना? नहीं नहीं, लेना भी नहीं चाहिए? नहीं लेना भी चाहिए लेकिन आजकल को समय नहीं चल रहा है, लेकिन गार्जियन को होता कि मैं दहेज लूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि दहेज ना ले। और आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो अपने परिवार को ख्याल रखे, नहीं और मतलब अपने मायके और ससुराल दोनों परिवार को अच्छे ख्याल रखे, अपने बच्चों को ख्याल रखे। अच्छी होनी चाहिए आदर्श पत्नी। आपको मिल गई? हाँ सामने है, देखिए। खुश है? हाँ खुश है। दहेज लिए? नहीं नहीं लिए। तुमको कैसा लगा? अच्छा चाहिए। दहेज लेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। सरकारी नौकरी वाला है प्राइवेट या कैसा भी चलेगा? सरकारी हो या प्राइवेट हो बस अच्छा होना चाहिए। तो मम्मी पापा को पसंद होगा वहाँ कर लोगे? हाँ। और तुम कैसे रहोगी? हम भी अच्छे से रहेंगे। तुम आदर्श पत्नी बन के रहो? रहेंगे। दहेज के विरोध हो ना? यस। होगी नहीं ना? नहीं। पापा को देने भी नहीं दो? नहीं। मैम आपको कैसा चाहिए, आदर्श पति आपको मिल गया? मिल गया। दहेज लिए थे? हाँ उस टाइम तो लिए थे। क्यों नहीं आप दहेज? अब तो क्या उपाय, बिना दहेज का शादी ही नहीं होता था। तो बेटी में दीजिएगा? नहीं बेटी में नहीं देंगे। तो पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि दहेज? वही इसको पढ़ा लिखा के जॉब करवा देंगे, फिर दहेज क्या देंगे? सरकारी जॉब वाला दमा चाहिए कि प्राइवेट जॉब वाला? नहीं वो तो समय बताएगा, वैसे किसी ऐसा भी कोई ऐसा डिमांड नहीं? नहीं डिमांड नहीं होनी चाहिए। और कैसे, क्या क्वालिटीज होना चाहिए, पढ़ी लिखी? आपके जैसे सुंदर सुंदरता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? दहेज भी लेंगे आप? नहीं दहेज लेते ही नहीं हम लोग, लेते ही नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की? हाँ पढ़ी लिखी चाहिए। देखा क्या कुछ कहा लोगों ने, लड़कियों ने बात करी, औरतों ने बात करी, लोगों ने बात करी, कहा कि आदर्श पति और पत्नी कैसी होनी चाहिए और कहा कैसे शादी को आगे तक बरकरार रखना चाहिए। देखा आपने क्या कुछ कहा, तब तक के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।